नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को स्विमिंग के फ़ायदे बताऊंगा और स्विमिंग करने से आप लोगों के शरीर में जो भी बदलाव होते हैं उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग स्विमिंग करते हैं तो वो भी आप लोग बेनिफिट्स जो हैं वो मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को स्विमिंग के फ़ायदों के बारे में पता लग सके। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि स्विमिंग जो है वो फार बेटर मानी जाती है आप लोगों की नॉर्मल एक्सरसाइज से। वैसे तो एक्सरसाइज सारी अच्छी होती हैं लेकिन स्विमिंग के एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है आप लोगों को देखने को मिलता है वो है वज़न को कम करना। स्विमिंग के अंदर आप लोगों की जो बॉडी होती है उसमें एक अलग ही इफ़ेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है कि आप लोगों की बॉडी का फैट जो है वो गायब होने लगता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? पहला साइंटिफिक रीज़न है कि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी वो है जो स्टोर्ड फैट से ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होती है। तो जो आप लोगों का स्टोर्ड फैट है, एडिपोज टिश्यूज़ है, उसी से बॉडी जो है स्विमिंग के अंदर उसी को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेती है और एनर्जी के रूप में उस फैट को बाहर निकाल देती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है आप लोगों को मिलता है स्विमिंग करने से। स्विमिंग करने से आप लोगों की लटकती हुई तोंद कम हो सकती है, बैली फैट कम हो सकता है, ब्रेस्ट फैट कम हो सकता है, जांघों की चर्बी कम हो सकती है। ओवरऑल बॉडी जो फैट है वो कुछ ही दिनों में स्विमिंग करने से कम होने लगता है। आप लोगों का लटकता हुआ पेट जो है वो कम हो सकता है स्विमिंग करने से। तो आप लोगों ने पहला फ़ायदा देख लिया होगा कि स्विमिंग करने से आप लोगों का लटकता हुआ पेट यानी कि मोटापा गायब हो जाता है और आप लोग जो है स्लिम फिट दिखने लग जाते हैं। जब आप लोग स्विमिंग करने के बाद एक महीने बाद अपने आप को आईने में देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने आप को स्लिम फिट महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। आप लोग जो है आप लोगों का मूड अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोग जो है स्लिम फिट हो जाएंगे। तो ये एक एक्सरसाइज है जो आप लोग कर सकते हैं और ये फ़ायदा जो है आप लोगों को मिल सकता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा फ़ायदा है हड्डियों के जॉइंट्स जो हैं वो अच्छे होने लगते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है कि स्विमिंग करने से आप लोगों के हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे रहते हैं। स्विमिंग करने से आप लोगों के हड्डियों के जो जॉइंट्स होते हैं वो उनके चारों तरफ जो लिक्विड होता है, साइनोसोडियल लिक्विड जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट्स के अंदर, वो जो है वो बनना शुरू होता है। उससे क्या होता है कि जो आप लोगों के हड्डियों के चारों तरफ जो लिक्विड होता है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे ग्लूकोसमाइन है, कॉन्ड्रोटिन है, एमएसएम है। ये जो केमिकल होते हैं ये एक्सरसाइज के दौरान भी बॉडी जो है अपने आप बनाने लग जाती है। तो स्विमिंग करने से आप लोगों के हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं वो अच्छे होने लगते हैं। स्विमिंग करने से आप लोगों की हड्डियां जो है वो फ्लेक्सिबल भी बन सकती हैं। इसका एक फ़ायदा और मिलता है आप लोगों को, बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, एटीपीज ज़्यादा जनरेट करने लग जाती हैं, आप लोगों में ऊर्जा आने लगती है, आप लोगों के जो जॉइंट्स हैं वो उनमें जो बुलबुले आ जाते हैं, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा टक टक की कटकट की आवाज़ें आती रहती हैं, तो वो भी आप लोगों की दूर हो सकती है स्विमिंग करने से। आप लोगों की बॉडी जो है वो मस्कुलर बन सकती है स्विमिंग करने से। तीसरा फ़ायदा अगर हम लोग देखें तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम जो है वो स्विमिंग आसानी से कर लेता है। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जब आप लोग चलते हैं तो आप लोग जो है अपने आप को आप लोगों का जो मूवमेंट है वो इतना स्लिम होना चाहिए, कहने का मतलब है इतना स्मूथ होना चाहिए कि आप लोग अपने शरीर को कैसे भी जो है वो मोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है हाथों को आप लोग जो हैं एंगुलर पोजीशन में मोड़ सकते हैं, अपनी कमर को मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो हैं स्विमिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोगों की जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनने लग जाती हैं, हड्डियाँ जो है वो लचीली होने लगती हैं ताकि आप अपनी बॉडी को मूव करवा सकते हैं। आप लोगों ने बच्चों की कभी मूवमेंट देखे होंगे, वो जो है अपनी हड्डियों को कैसे भी मूव करवा लेते हैं, तो उसका फ़ायदा जो है वो आप लोग उठा सकते हैं। वही सेम जो चीज़ें हैं आप लोग जो हैं स्विमिंग करने से उठा सकते हैं। तो स्विमिंग करने से आप लोगों के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट फ़ायदा जो आप लोगों को मिलता है वो है उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना। एक्चुअली में रक्तचाप जो है वो एक समस्या नहीं है। जब बॉडी जो है हाइड्रेट या डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होती है तो आप लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। जब आप लोग किसी बात को लेकर चिंता में रहते हैं तो आप लोगों का जो रक्तचाप है वो हाई होने लगता है। तो उस उच्च रक्तचाप को स्विमिंग जो है वो कैसे नॉर्मल करता है, उसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि जब आप लोग स्विमिंग करते हैं तो आप लोगों का जो मेंटल स्ट्रेस है वो नॉर्मल रहने लग जाता है।
स्विमिंग करने से आप लोगों की जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहती है, जिससे आप लोगों का जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहने लग जाता है। तो स्विमिंग करने से आप लोगों के उच्च रक्तचाप की जो समस्या है वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाती है। तो ये बेनिफिट जो है आप लोगों को मिलता है उच्च रक्तचाप में। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी जो है वो एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग कोर्टिसोल हार्मोन बोलते हैं, और वो उस कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से आप लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है। जब आप लोगों का हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से ऊपर जाने लग जाता है, 150 160 जाने लग जाता है, तो इसका मतलब है आप लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्याएँ हैं। तो इस केस में अगर आप लोग अपनी बॉडी को रिलैक्स करवाना चाहते हैं, नॉर्मल रहना चाहते हैं, तो या तो आप लोग योगासन करते हैं या आप लोग स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग करने से आप लोगों का जो उच्च रक्तचाप है वो नॉर्मल रह सकता है, क्योंकि आप लोगों की बॉडी हाइड्रेट रहेगी और टेंशन फ्री रहेगी। स्ट्रेस जो है वो दूर करने का काम करता है, कोर्टिसोल हार्मोन को डाउन करने का काम जो है वो स्विमिंग करता है। तो जिससे आप लोगों को उच्च रक्तचाप की जो समस्याएँ हैं वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के दिमाग में फालतू की बातें चल रही हैं तो थोड़ा समय जो है अपने लिए निकालिए, ताकि आप लोग जो उच्च रक्तचाप की समस्याओं को दूर कर सकें और अपनी बॉडी को क्योर कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आप लोगों को इंडिकेट करती है आप लोगों की बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में। तो उच्च रक्तचाप को नहीं आने दें, उसे नॉर्मल बनाएं, ताकि आप लोग जो है अपनी बॉडी के लिए सोच सकें और रिलैक्स महसूस कर सकें। जब डॉक्टर इस चीज़ को चेक करता है तो आप लोगों को पता ही है कि वो सिर्फ आप लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करता है, और आप अपने आपको वो सिर्फ और सिर्फ जो है रिलैक्स करवाने की कोशिश करता है। उच्च रक्तचाप की वजह से आप लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि दिल का दौरा होना, हम लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बनना, ये बड़ी समस्याएं हो सकती हैं जो आप लोगों के दिल के लिए बुरी हैं। अगर आप लोग अपने दिल को नॉर्मल बनाना चाहते हैं और सही तरीके से वो काम करे ऐसा चाहते हैं, तो आप लोग स्विमिंग कर सकते हैं, जिससे आप लोगों का स्ट्रेस जो है वो दूर हो सकता है। तो ये फ़ायदा आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट फ़ायदा आप लोगों अगर देखना है तो उसमें है मस्कुलर बॉडी। जो लोग मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, यानी कि मसल्स को मजबूत रखना चाहते हैं, तो वो लोग स्विमिंग कर सकते हैं। बहुत से लोगों की जो बॉडी है वो एक्चुअली में सही शेप में नहीं आ पाती है। अगर आप लोग स्विमिंग करते हैं तो आप लोगों का विसरल फैट, सबकंटीन्यूस फैट गायब होने लगता है, आप लोगों का मसल्स मास जो है वो आप लोगों के हड्डियों के चारों तरफ जो है वो मजबूती लाता है, आप लोगों की मसल्स के अंदर निखार लाता है आप लोगों की मसल्स में। तो जब भी आप लोग जो हैं एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे पहले आप लोग जो हैं, अगर आप लोग स्विमिंग करते हैं उसके बाद में अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो पहला तो आप लोग अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, दूसरा आप लोगों के अंदर जो एनर्जी होगी उससे आप लोग जो हैं अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। पानी में मसल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है एज़ कम्पेयर टू आप लोग जब नॉर्मल जिम करते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आप लोगों को मस्कुलर बॉडी चाहिए, मसल चाहिए, ऐप चाहिए, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, उन सभी में एक निखार लाने का काम जो है वो आप लोगों की स्विमिंग कर लेती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसको अपने WhatsApp पर ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदों के बारे में पता लग सके। धन्यवाद।